उसमें कितना बीज निकलता है, एक एप्पल में कितना बीज निकलेगा सर? दो चार। आपको लगता है कि 7-8 निकल जाता है, है ना? ज्यादा निकल जाता है, मतलब एक दो तो उसका एक ही दो भाग में रहता है, मतलब 7-8 निकल जाता है। अब 7-8 बीज को अगर बढ़िया से न डाल दे, तो उस बीज से, एक बीज से अगर बढ़िया से डाल दे और बढ़िया से उसको सेवा करे, तो पेड़ निकलेगा, पौधा निकलेगा, फिर पौधा को फिर खाद पानी डालते बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो उस पर फिर सेब होगा। अब जो सेब होगा और जितना सेब होगा, क्या उस सेब का आप, उस सेब के अंदर जो बीज है, क्या उसको गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब उस सेब के अंदर जो बीज होगा उसको भी कहीं डाला जाएगा, उससे कितना सेब निकलेगा क्या इसका अंदाजा लगा सकते हैं? ये जो नेटवर्क बनाया, कौन बनाया? एक बीज। कौन बनाया? एक बीज सैकड़ों करोड़ों हजारों लाखों करोड़ों से पैदा कर सकता है, तो एक नेटवर्कर क्या नहीं कर सकता? एक इंसान क्या नहीं कर सकता है? बस उसको सही जगह पे, सही सिस्टम पे, सही समय पे उसको डालने की जरूरत है और उसको केयर करने की जरूरत है। टाइम टाइम पे उसको खाना देने की जरूरत है। और खाना क्या है? दिमाग का खाना क्या है? एजुकेशन। दिमाग का काम क्या है? एजुकेशन। दिमाग का क्या है? बार बार उसको बोलना है, उस सिस्टम पे रहो, उस सिस्टम पे रहो, उस सिस्टम पे रहो। और जब हम मीटिंग और सेमिनार में नहीं आते हैं तो हम सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। हमको इसलिए बार बार आना बहुत जरूरी हो जाता है। अब क्या होता है, लीडर क्या होता है, जब से गुरु जी हमको ये फॉर्मूला बताए हैं, हम सबसे पहले यही बोलते हैं, हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता। लेकिन लोग क्या करते हैं, हमको बहुत आता है और सामने वाले से भी ज्यादा जानकार अपने आप को बताना या दिखाना चालू करते हैं और मामला फंस जाता है। सर बोलते हैं कि गुणवत्त दिखिए, लेकिन गुणवत्त बोलिए नहीं ना बनिए। आपको क्या करना है? अच्छा, कोई भी आपको बता सकता है यहाँ पे बैठा कि ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप में क्या क्या मटेरियल मिला हुआ है? डॉक्टर को छोड़ करके, जो डॉक्टर है यहाँ पे उनको छोड़ कर कोई बता सकता है कि ट्रिपल स्टेम सेल में क्या क्या मिला हुआ है? कोई बता सकता है? एक बता सकता है, गोल्ड तुलसी में क्या क्या मिला हुआ है, कितना परसेंट मिला हुआ है, स्टीविया में क्या क्या मिला हुआ है? कोई बता सकता है साबुन में क्या क्या मिला हुआ है? हमसे कोई पूछता है ना, हम बोलते सर इतना हमको जानकारी अभी भी नहीं, बस देखिए ना क्योंकि लिखा हो बस आपको क्या करना है, बस किताब हाथ में पकड़ा। पहले किताब बेचना नहीं है। जब आप किसी को दुकानदार, दुकान में जब कोई साड़ी लेने जाता है, मैडम आप जाते हो कि साड़ी साहब को जाते होंगे, दुकान में आप जाते हैं साड़ी लेने के लिए, तो पहले साड़ी दिखाने के पहले आप साड़ी पकड़ा देता है, पकड़ा देता है और बोलता है देखिए ना ये वाला साड़ी आपको बहुत अच्छा, देख रख के देखिए ना कितना बढ़िया लगता है। वो क्या करता है, इन्वॉल्व करता है आपको, रेट भी पहले नहीं बताता है, देखिए ना रेट का क्या दिक्कत है और आपके लिए रेट का क्या दिक्कत है, पहले इसको दीजिए, देखिए ना इसको, देखिए ना, देखिए ना इसको, देखिए ना। ये कीवा का कैटलॉग है और इसमें खजाना है, इस क्योंकि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। सर के टीम में एक महिला है जो अंगूठा छापता है और उनको कुछ भी नहीं आता, बोले कि सर हम स्टॉक पॉइंट को ले लिए आपके बात पे कहने पे, लेकिन हम काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना आपको आते नहीं है। तो हम बोले ना कि जो भी महिला आपके पास, जो भी पुरुष आता है, आप उसको खाली कैटलॉग दिखाइए और यही बोलिए, आप सबको जानता है कि पढ़ी लिखी तो मेरा काम आसान होता है, क्योंकि जितना पढ़ा लिखा लोग होता है उतना काम नहीं कर पाता और जितना पढ़ा लिखा नहीं होता है वो ज्यादा काम कर पाता।
काम कर रही है, हम जो बोल रहे हैं वो सुन रही है, वो काम कर रही है और घटा रहा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा होता हम जो बोल रहे हैं उसमें वो सुन रहा है, लेकिन अच्छा सर तो ये बात बोलेगा, अच्छा इसमें थोड़ा सा और इवन लगा करके हम बताएंगे ना, रिजल्ट ज्यादा और वहीं पे गड़बड़।